अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल सके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज मैं आपके लिए सिंपल सी अचारी भिंडी की रेसिपी लेके आई हूँ। आप इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अचारी भिंडी बनाने के लिए मैंने भिंडियों को देखें इस तरीके से काट लिया है, सिर्फ दो टुकड़ों में इसको काटना है। अब मैं इसको फ्राई करूंगी। सबसे पहले पैन के अंदर हाफ कप से थोड़ा सा कम ऑयल डालेंगे। ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए तो इसके अंदर मैं भिंडी डाल के और हल्की सी फ्राई करूंगी। फर्स्ट स्टेप इसका यह है कि हम भिंडी को फ्राई करके निकाल लेंगे। ऑयल गर्म हो गया है, भिंडी इसके अंदर ऐड करके और इनको हल्का सा फ्राई कर लूँगी। सात सौ पचास ग्राम मैंने भिंडी ली है, यानी तीन पाव के करीब ये भिंडी है। मीडियम फ्लेम पे इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। चार से पाँच मिनट हो गए हैं, भिंडी फ्राई हो गई है। अब मैं इसको बाहर निकाल लूँगी, फ्लेम को लो कर देंगे और भिंडी को निकाल लेंगे। भिंडी मैंने निकाल ली है, अब इसके अंदर मैं 1/4 कप ऑयल ऐड करूँगी। ऑयल को हल्का सा गर्म करेंगे। अब सेकंड स्टेप में मैं इसका मसाला बनाऊँगी। उसके लिए मैंने दो स्मॉल साइज़ की प्याज को जूलियन कट कर लिया है। ऑयल में ऐड करके हल्का सा प्याज नरम हो जाए फिर मैं इसके अंदर स्पाइस ऐड करूँगी। मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर रही हूँ मैं प्याज को। प्याज हल्की सी नरम हो गई है, अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। हल्का सा सौते करेंगे। 1 टीस्पून मैं इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। 1.5 टेबल स्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड कर दी इसके अंदर। 1 टीस्पून सौंफ है, 1 टीस्पून धनिया है साबुत धनिया। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ राई 1/2 टीस्पून, मेथी दाना 1/2 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, कलौंजी 1/2 टीस्पून। इन तमाम चीज़ों को डाल के अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अच्छा, नमक इसके अंदर मैं लास्ट में ऐड करूँगी और भिंडी में कभी भी पानी नहीं ऐड करते हूँ। 2 टेबल स्पून इमली का पल्प, क्योंकि यह अचारी भिंडी है तो मैं इसके अंदर फ्लेम को लो कर दें और हल्का थोड़ी देर मसाले को भून लें। मसाला अच्छी तरह भुन गया है, अब मैं इसके अंदर ये मैंने फ्राई करके भिंडियाँ निकाली थी ये ऐड कर दूँगी और इसको अच्छी तरह मिक्स कर दूँगी। भिंडी को मैंने अच्छी तरह मसाले के अंदर मिक्स कर दिया है, अब इसको मैं कवर कर दूँगी। इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना और नमक भी मैं गलने के बाद ऐड करूँगी इसके अंदर। बस इसको कवर करके और दम वाली आंच पे इसको छोड़ दें कि अच्छी सी गल जाए। भिंडी को चेक कर लेंगे,
तकरीबन भिंडी गल गई है। अब मैं इसके अंदर वन एंड हाफ टी स्पून नमक ऐड करके इसको अच्छी तरह मिक्स कर दूँगी। अगर आप चाहें तो इमली की जगह अचार भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इमली अवेलेबल ना हो तो आप इसमें अचार ऐड कर दें उतनी ही क्वांटिटी में। के अंदर ऐड करूँगी हाफ लेमन, ये अगर आप डालना चाहें तो डालें। बस ये ऐड करके इसे अच्छी तरह मिक्स करें और भिंडी रेडी है। अब इसको मैं सर्व करूँगी। फ्लेम को ऑफ कर दें। सिंपल सी अचारी भिंडी तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।